आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के बीच 500 गरीबों के बीच एसके वेलफेयर ट्रस्ट ने बना हुआ खाना लोगों के बीच बांटा। चान्हो प्रखंड के बलसुकरा में एसके वेलफेयर ट्रस्ट और नौजवानों ने लगभग 500 लोगों के बीच खाना नमस्कार बांटा। इससे पहले भी इसी संगठन के द्वारा कई गाँव में खाद्यान्न सामग्रियों का किया गया था वितरण। वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष साबिर खान ने कहा, हमारा प्रयास है कि इस लॉकडाउन के बीच कोई भी गरीब भूखा ना रहे। पूर्व में भी हमारी संस्था ने गरीबों के बीच खाद्यान्न सामग्रियों का वितरण किया था, फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया। इस बीच हमारा प्रयास होगा कि बीच बीच के अंतराल के बाद गरीब असहाय मजदूरों के बीच खाद्य सामग्रियों और खाना बना हुआ बंटवाया जाए। मैं हूं रहमतुल्लाह अंसारी। आप देख रहे होंगे लगातार लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है इस कोरोना वायरस को लेकर के, उसी बीच जो है एक महीने से ज़्यादा का अंतराल पार करने को है। कई लोग गरीब लोगों को खाना खिलाते हुए देखे जा रहे हैं, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। आज बलसोकरा में भी कुछ नौजवानों ने खाने के लिए गरीबों का खाना इंतज़ाम किया है। आइए सीधे जुड़ते हैं, वो क्या कहते हैं, किन लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप बताइए शाहिद जी, कैसे किन लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो खाना उपलब्ध करा रहे हैं? अनहो प्रखंड के बलसोकरा गाँव में आज एक प्रोग्राम बलसोकरा के एसके फाउंडेशन के तरफ से और यहाँ के नौजवानों ने मिलकर एसके फाउंडेशन के सहायता से ये गरीबों को ज़रूरतमंदों के बीच में खाना बांटने के लिए 500 पैकेट तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, देश में लॉकडाउन का हाल है, भुखमरी का हाल है, बहुत से ज़रूरतमंद है जो जिनके घर में खाने के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जैसा कि हर जगह पे ज़रूरतमंदों के बीच बांटा जा रहा है खाने पीने के लिए राशन पानी, और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए हमारे गांव के लोगों भी ने और ख़ास करके साबिर खान जो इसके फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनके तरफ से हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया कि आप लोग एक प्रोग्राम बनाइए और आप लोगों को पूरा सहायता दिया जाएगा। तो हमारे बलसुकरा के नौजवानों ने ये फैसला लिया और 500 ज़रूरतमंदों को के बीच में खाना बांटने के लिए आज पैकेट बनाया गया है। और उम्मीद करते हैं कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसका हम लोग पूरा पालन करेंगे और आने वाले दिनों में भी इस तरह से ज़रूरतमंदों के बीच में हम लोगों से और ख़ास करके इसके फाउंडेशन से जितना भी हो सकेगा बांटने का प्रयास किया जाएगा।